सो यू कैन सी कि माई फेस इज ग्लोइंग. ये वीडियो पर्पल से स्पॉन्सर की गई नहीं है, गुड वाइब से भी स्पॉन्सर की गई नहीं है, ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है. हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी. मैंने इस सीरम को 7 days तक लगातार इस्तेमाल किया, एंड नॉट ओनली 7 days, मोर देन 7 days मैंने इस्तेमाल किया है, एंड आई हैव कैप्चर्ड द चेंजेस एंड एवरीथिंग. सो वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. काफ़ी दिनों पहले मैंने एक रिव्यू किया था जो वीडियो वायरल हो गया पूरा, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, एज वो वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में था क्योंकि वो प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं किया था. तो आई स्टॉप्ड यूजिंग दैट प्रोडक्ट. बट उस वीडियो के नीचे जितने सारे कमेंट्स आए, उसके बाद आई थॉट कि मुझे एक डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए. एंड द प्रोडक्ट इज गुड वाइब्स रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम. सो पैकेजिंग एंड ऑल आई गेस आप सबको पता ही है, सो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी. नेक्स्ट, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपको बस आपके फेस को क्लीन करना है एंड उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फेस सीरम ऑल ओवर योर फेस इसे अप्लाई करना है, जेंटली मसाज करना है, एंड ये बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन में बस 1 minute के अंदर ही. लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि ये आपके आईज के अंदर ना घुसे, आपको इसे एक कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करना है, सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही है, पैच टेस्ट जरूर करें, चिल्ड्रन के लिए नहीं है, बट इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है एंड किसी किसी पर्सन को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा इरिटेट भी कर सकता है. की इंग्रेडिएंट्स में है सेसेम ऑयल, आमंड ऑयल, विटामिन ई, रोजहिप ऑयल, जोजो ऑयल, दैट्स इट. एंड में आपको 2 years की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी एंड इसका जो प्राइस है वो है 215 rupees, लेकिन ये आपको पर्पल वेबसाइट पर हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा. ये है 10 ml का एक बॉटल, इसमें ड्रॉपर फॉर्म में आता है, एक ड्रॉपर भी आपको मिलता है, सो यूज़ बहुत ही इजी हो जाती है. मेरी स्किन नॉर्मल टू सेंसिटिव है, कभी कभार ऑयली भी हो जाती है, एंड माई स्किन इज एक्चुअली गुड. आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है देन यू नो मेरे स्किन में उतना ज़्यादा इश्यूज नहीं है. सो मैंने बहुत सारे YouTube में रिव्यूज देखने के बाद ही मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया था. मैंने इसे 7 days तक लगातार इस्तेमाल किया. नाउ day 1 में यू कैन सी कि माई स्किन डज नॉट हैज दैट मच इशू, मेरे स्किन में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, माई स्किन इज ओके. तो मैंने इसे इस्तेमाल किया था जस्ट नाइट टाइम में, मतलब सिर्फ रात को सोने से पहले ही मैं इसे इस्तेमाल करती थी, एंड उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो मेरे स्किन में ब्रेकआउट्स हो गए, एंड एज यू कैन सी मेरे फोरहेड एरिया पर ज़्यादा ब्रेकआउट्स थे एज कम्पेयर टू होल फेस, क्योंकि मेरे फोरहेड एरिया पर ही ज़्यादातर मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं. मुझे पता था कि इस प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो शायद मुझे कुछ सूट नहीं करता, दैट्स वाई मुझे ब्रेकआउट्स हुए थे. और उसके बाद फिर से मैंने कंटिन्यू किया, नेक्स्ट डे भी मैं रात को सोने से पहले अप्लाई मैंने इसे किया है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना था. सुबह जब मैं उठी उसके बाद मैंने देखा कि मेरे स्किन पर जो भी ब्रेकआउट्स थे वो ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा भी नहीं है, वो नॉर्मल ही थे, लेकिन मेरी स्किन में थोड़ा सा मुझे स्किन अच्छा फील हो रहा था, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग मुझे दिख रही थी. सो दैट्स द डिफरेंस आई फर्स्ट नोटिस्ड. बस 2 ही दिनों में मुझे ये डिफरेंस नज़र आया. आई नो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है, मेरे रिलेटिव्स ने भी इस्तेमाल किया है, सो आई नो, लेकिन मुझे तो सूट नहीं किया, मेरे स्किन पर ब्रेकआउट्स हो गए थे जो मुझे ठीक करना था. सो एज़ यू गाइस नो कि मैं फेस पैक्स वगैरह बहुत सारे इस्तेमाल करती हूँ, मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी अपलोडेड है. तो मैंने एक फेस पैक इस्तेमाल किया जिसमें मैंने नीम ऐड किया है, चारकोल पाउडर ऐड किया था, तो उस फेस पैक को मैं इस्तेमाल करती गई फॉर द ब्रेकआउट प्रॉब्लम. तो उसके बाद फिर से मैंने 3rd day अप्लाई किया था इस सीरम को, एंड द रेस्ट डेज ऑल्सो मैं इस्तेमाल करती गई. तो 7 days तक मैंने लगातार इस सीरम को रात को इस्तेमाल किया, एंड द रिजल्ट इज कि मेरे स्किन में एक इतना ज़्यादा प्यारा सा ग्लो आ गया है कि मैं अगर स्किन में कुछ भी अप्लाई नहीं करती फिर भी माई स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग. बट एक प्रॉब्लम है कि जो ब्रेकआउट्स वगैरह थे वो मुझे बहुत बहुत परेशानी हुई इसे ठीक करने में, क्योंकि 7 days के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था. आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर 10 to 12 days, तो मुझे 10 to 12 days लगे स्किन को एकदम क्लियर बनाने के लिए. तो मैंने बहुत सारे फेस पैक इस्तेमाल किया है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है सो अभी बहुत सारे टाइम है मेरे पास, लेकिन अगर ये मैं कॉलेज टाइम में करती तो मुझे शायद टाइम नहीं मिलता मेरे ब्रेकआउट्स को ठीक करने के लिए. बट नाउ यू कैन सी कि माई स्किन इज सो क्लियर एंड माई स्किन इज ग्लोइंग. एंड मैंने 7 days के बाद भी एक क्लिप शूट किया है, वो आप देख लीजिए, कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 7 days के बाद भी माई स्किन इज लुकिंग सो फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग. मेरे फेस पे कोई बेस मेकअप कुछ भी नहीं था, एंड यू कैन सी द ग्लो इन माई फेस जो कि नेचुरल है, कोई हाईलाइटर वगैरह ग्लिटर नहीं है. बाय द वे मैं आज भी नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, कोई आर्टिफिशियल लाइट भी नहीं है, सो यू कैन जनरली सी द रिजल्ट.
मेरे स्किन पर इसने इस तरीके से रिएक्ट किया, लेकिन आपके स्किन पर ये अलग तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है. सो उसके लिए आप थोड़ा सा पैच टेस्ट करें, वही बेटर होगा. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था. बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है. आई कैन सी माई स्किन डज नॉट हैव एनी इशू. अभी कोई ब्रेकआउट की प्रॉब्लम भी नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एक स्कार टाइप्स है जो कि इसको इस्तेमाल करने पर मुझे थोड़ा सा पिंपल वगैरह हुआ था. एंड बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे कि इसे टीनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. सो टीनेजर्स कैन यूज, लेकिन पैच टेस्ट जरूर करें. मेन कैन इवन यूज दिस सीरम. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय.